हेलो बच्चों, वेलकम टू स्पार्कल क्लासेस। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज का ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिनका भी सीबीएसई बोर्ड का क्लास 12th का रिजल्ट आया है और उनका केमिस्ट्री सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आ गया है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री के वे कौन से इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं और टॉपिक्स हैं जो कि आपको आपके कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए पढ़ के जाना है, जिससे कि आपके एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स आ सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो है हमारा फिजिकल केमिस्ट्री। और अगर हम इसके टॉपिक्स की बात करें कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं, तो पहला हमारा सोल्यूशन, सेकेंड है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड थर्ड है हमारा केमिकल काइनेटिक्स। इसी तरह हमारा जो सेकेंड पार्ट है वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इसके टॉपिक्स हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, डीएनएफ ब्लॉक। और थर्ड पार्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें जो फर्स्ट टॉपिक है वो हमारा हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, सेकेंड है एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, थर्ड है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, फोर्थ है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन एंड लास्ट है हमारा बायोमोलिक्यूल्स। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा चैप्टर सारे। अब चलिए हम देखते हैं इनके जो सारे चैप्टर्स हैं उनके सब टॉपिक्स के बारे में कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उनको पढ़ के जाना है इन सारे चैप्टर्स का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब फर्स्ट है चैप्टर हमारा सोल्यूशन, इसमें आपको पढ़ के जाना है हेनरीज लॉ, सेकेंड जितनी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, और थर्ड है हमारा राउल्ट्स लॉ। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन सकता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलिए चलते हैं हम अपने सेकेंड चैप्टर की तरफ जो कि है हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसके टॉपिक्स की बात करें तो पहला है कोलरोज लॉ, सेकेंड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको एक बार जरूर देख के जाइएगा। थर्ड है नर्स्ट इक्वेशन, फोर्थ है फैराडेज लॉ एंड लास्ट हमारा रिलेशन बिटवीन गिब्स एनर्जी चेंज एंड ईएमएफ वैल्यू ऑफ सेल। अब चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, केमिकल काइनेटिक्स। इसके टॉपिक है रेट ऑफ रिएक्शन, इसमें स्पेशली आपको पढ़ के जाना है एवरेज और इंस्टेंटेनियस रेट, सेकेंड है जितने भी फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को उसको पढ़ के जाना है, थर्ड है ऑर्डर और मॉलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और नेक्स्ट है हमारा रेट लॉ एंड स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, ये भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नेक्स्ट है एक्टिवेशन एनर्जी, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और लास्ट है हमारा आर्हेनियस इक्वेशन, ये जो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो हमने आपको लास्ट में चारों बताए टॉपिक्स वो आप एक बार जरूर एग्जाम में पढ़ के ही जाइएगा, क्योंकि ये चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर के। तो आइए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जो कि है हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अगर हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की बात करें तो इसमें आपको लिगेंड्स के बारे में पढ़ के जाना है और आईयूपीएसी नेम है जो कि आपको पढ़ के जाना है, सेकेंड है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जितनी भी हैं वो आपको एक बार देख लेना है, नेक्स्ट है हमारा बीबीटी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी और सीएफटी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ये आपको पढ़ के जाना है, और लास्ट है हमारा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है हमारा आइसोमेरिज्म। तो चलिए अब चलते हैं हम अपने डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट्स में, इसमें आपको डी ब्लॉक की प्रॉपर्टीज पढ़ के जानी है, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड के बारे में पढ़ के जाना है, और KMnO4 और K2Cr2O7 की जो प्रॉपर्टीज हैं उनको एक बार पढ़ के ही जाना है आपको एग्जाम में। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, इसमें आपको इसका नॉमिक्लेचर पढ़ के जाना है, SN1 और SN2 क्या रिएक्शन होती है वो पढ़ के जाना है, और बीटा एलिमिनेशन और सेटजेफ रूल पढ़ के जाना है, MR means मार्कोनिक ऑफ रूल और AMR means एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल जो होता है इसको पढ़ के जाना है, और जितने भी इसके नेम रिएक्शन है वो आपको पढ़ के जाना है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा एल्कोहल फिनॉल एंड ईथर, इसमें आपको इसकी प्रिपरेशन पढ़ के जानी है, इन सब की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ के जाना है, और एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल पढ़ के जाना है।
और इस चैप्टर में जितनी भी नेम रिएक्शन है वो भी इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि कोलवेज रिएक्शन हो गया, रीमर टीमेन हो गया और विलियमसन सिंथेसिस। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जो कि है एल्डिहाइड, कीटोन और एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें आपको प्रिपरेशन पढ़ के जानी है इन सब की, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं, और जो है ऑल जितने भी ये केमिकल टेस्ट देते हैं वो पढ़ के, जैसे कि टॉलेंस टेस्ट हो गया, फैलिंग टेस्ट हो गया और आइडोफॉर्म टेस्ट हो गया, ये आपको एक बार पढ़ के ही जाना है। और नेक्स्ट अगर हम इस चैप्टर की बात करें कि अगर आपको इसमें और क्या पढ़ के जाना है, तो हमारा नेम रिएक्शन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि रोजनमंड हो गया, स्टीफन हो गया, एटार्ड हो गया, गार्टरमैन कोच रिएक्शन हो गया, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन हो गया, क्लीमेंसन रिडक्शन हो गया, वुल्फ क्रिश्नर हो गया, एल्डॉल कंडेंसेशन हो गया, कैनिजारो रिएक्शन हो गया, एंड कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस हो गया, एंड लास्ट एच वी जेड हेल वॉल हार्ट जोलेंस की रिएक्शन। ये आपको पढ़ के ही जाना है इस चैप्टर से। तो चलिए अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जो कि है हमारा एमीन्स। एमीन में आपको इसकी प्रिपरेशन पढ़ के जानी है, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ के जानी है, और जितने भी ये केमिकल टेस्ट देता है वो पढ़ के, जैसे कि कार्बेलेमाइन हो गया, रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड हो गया और हिंसबर्ग टेस्ट हो गया, ये आपको पढ़ के जाना है। नेक्स्ट इस चैप्टर में आपको नेम रिएक्शन जितने भी हैं वो एक बार देख लेना है, जैसे कि गैब्रियल पेथेलेमाइड हो गया, हॉफमैन्स ब्रोमामाइड हो गया, सेंडमेयर रिएक्शन हो गया, गार्टरमैन रिएक्शन हो गया और कपलिंग रिएक्शन हो गया। तो चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, और लास्ट चैप्टर है आपका केमिस्ट्री का, वो है हमारा बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स में आपको केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ के जानी है ग्लूकोज की, डिनेचुरेशन ऑफ द प्रोटीन पढ़ के जाना है, और फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन क्या होता है ये पढ़ के जाना है, और डीएनए एंड आरएनए के बारे में पढ़ के जाना है। उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी और आपको समझ में भी आ गया होगा कि आपको कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिस पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, जिससे कि आपके मार्क्स जो हैं एग्ज़ाम में अच्छे आएँ। और हाँ, हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जितनी भी नेम्ड रिएक्शन है उसकी एक सीरीज स्टार्ट करी है, जिसका प्लेलिस्ट आपको हमारे स्पार्कअप चैनल क्लासेस में मिल जाएंगे, तो आप जितनी भी नेम्ड रिएक्शन है उसको यहाँ से पढ़ सकते हो और चीज़ें क्लियर कर सकते हो। एंड इसी के साथ अब आप अपनी प्रिपरेशन में लग जाइए एग्ज़ाम की, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।